निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो फूड दे रहे हैं फूड को बॉइल करके दे रहे हैं, बॉइल करने के बाद फिर उसमें मल्टी विटामिन का हम लोग करते हैं और उसके साथ एक चीज़ और हम इम्यूनल जो इम्यून सिस्टम को एनहांस करने वाला जो एक मेडिसिन रहती है वो भी उसका भी हम लोग समावेश उसमें कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी हमारा एनिमल किसी भी तरह से पीड़ित ना हो पाए। नहीं, हमारे एक बर्ड जरूर था उसकी आँख में थोड़ा सा कंजेशन टाइप था, वो भी गर्मी की वजह से, एक साइड जो राइट साइड उसकी थी आई की उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। जो रूटीन का ट्रीटमेंट है उस तरह का कोई इससे उससे कोरिलेट करने जैसी कोई बात नहीं है और हमारा वो बर्ड भी काफ़ी अच्छा है, हेल्दी है वो भी। अन्य देखिए, हम लोगों ने सारे जो मैंने सेंट्रल जो अथॉरिटी ने जो कोविड को 19 को लेकर एनिमल्स में जो जू में जो प्रिकॉशंस लेने का जो प्रोटोकॉल जारी किया था उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और उसी प्रोटोकॉल के तहत जो भी हम लोग वहाँ पर जो कीपर्स हो या हमारे सफाई कर्मचारी या फूड वाले जो लगाने वाले जो कर्मचारी उन सभी का पहले तो हम लोगों ने कोविड टेस्ट करा लिया उनका और सारे डिसीज फ्री हैं वो लोग, किसी को किसी तरह के कोई सिम्टम नहीं। सारे यंग हमारे कीपर्स और जो बूट सर्व करते वो लगा रखे हैं प्रॉपर प्रोटोकॉल में, मास्क सैनिटाइजर और ग्लव्स वगैरह का यूज़ करते हैं, फूड लगाते उस समय भी इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ दवाइयों का स्प्रे एंटीवायरल दवाइयों का स्प्रे सुबह शाम हम लोग कर रहे हैं और किसी भी तरह का कोई इस तरह का सिम्टम नोटिस में नहीं आया है। हमारी सारी टीमें मैं खुद एनिमल्स को हम लोग डेली चेक कर रहे हैं, सुबह शाम चेक कर रहे हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन ले रखा सारे एनिमल्स को और जो प्रमाइसिस है प्रमाइसिस में भी हम लोग कुछ गैमेक्सिन वगैरह इन सब दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। एरिया को पूरी तरह से आइसोलेट करके रखा हुआ है, किसी की एंट्री नहीं है वहाँ पर। हमारे सिर्फ जो कीपर फूड सर्व करने वाले सफाई कर्मचारी उनके अलावा वो भी प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जाते हैं वहाँ पे। फूड हम लोग दे रहे हैं, फूड में भी हम लोग मल्टी विटामिन और आयरमेक्टिन का भी एक डोज हम लोगों ने उनको दिया है और इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखें। फूड जो दे रहे हैं उसको हम लोग बॉइल करके दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कंटेमिनेशन हो तो उससे हमारा फूड फ्री रहे, तो ये सब सारे सावधानियां प्रिकॉशंस हम लोगों ने ले रखी है।